हे गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई अगर आप भी ढूंढ रहे हो यहाँ पर एक बजट फ्रेंडली एयर कूलर अपने एक गरम गरम सीपीयू के लिए, सो भाई यहाँ पर ना एनटेक का A400i एक भाई बजट फ्रेंडली कूलर आपको यहाँ मिल जाता है। भाई परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, जो प्राइसिंग पे गाइस आता है उससे अच्छी परफॉर्मेंस ही आपको ये कूलर ऑफर करता है। एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एग्रेसिव सी यहाँ प्राइसिंग आपको मिल जाती है, बताता हूँ आपको वीडियो में आगे यहाँ पर, एंड परफॉर्मेंस भी आपको दिखाता हूँ इसकी। और हाँ भाई, वीडियो के एंड में ना मैंने कमेंट भी फीचर किया है, तो क्या पता वो आपका कमेंट ही हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्राइसिंग भी मैंने बताई है भाई, कमेंट भी फीचर कर, क्या पता अगली वीडियो में आपका कमेंट फीचर हो जाए, तो अभी के अभी कमेंट कर दो। और साथ ही साथ ना हमारी जो वीडियो का लाइक है गाइस, वो है 300 लाइक्स का, तो भाई वो भी आपने पूरा करवाना है, तो फटाफट प्रेस करवा, एल्गोरिथम को तोड़ दो, फोड़ दो भाई, प्रेस करो। एंड अगर आपको भी अच्छा लगता है ना ऐसे गेमिंग पीसीज, पीसी पेरिफेरल्स की रिव्यूज भाई, तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को अभी प्रेस करना है, साथ में आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो आए आपको मिले उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पर ना आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलता है एक एयर कूलर, गाइस साथ में मिलता है आपको यहाँ पर एक फैन जो कि एक RGB फैन है, 800 RPM से लेके 1800 RPM तक आपको यहाँ पर इसकी स्पीड मिल जाएगी। और हाँ ये एक 4-पिन कनेक्टर के साथ आता है, तो भाई बड़े आराम से आपका CPU फैन में ये लग जाएगा। एंड ऑटो रन RGB भी आपकी यहाँ रन करेगी भाई, बहुत अच्छी प्राइसिंग पे ना आपको यहाँ पर RGB मिल रही है डबल FPS। एंड भाई यहाँ पर ना आपको मिलती है 4 heat swipe जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ऑफर कर देती है। एंड साथ ही साथ ना भाई मेन पॉइंट इस जो कूलर का गाइस ये है कि ये जो कूलर है ना भाई, ये कूलर आपको मिल जाता है यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी के साथ, मतलब इंटेल की 10 जनरेशन, इंटेल की 11 जनरेशन, इंटेल की भाई कह लो आप 12 जनरेशन, भाई इंटेल पे पूरा सपोर्ट है भाई, AMD पे आपको AM4 सॉकेट, AM3 सॉकेट भाई सब पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर इसकी ब्रैकेट भी मिल जाती है भाई, बड़े आराम से आप माउंट कर लोगे अपने कूलर को, 3-4 तरह की आपको यहाँ पर ब्रैकेट मिल जाती है। और हाँ थर्मल पेस्ट भी आपको यहाँ मिल जाती है, तो गाइज उसको भी आप इंस्टॉल करते यूज़ कर लेना। साथ में गाइज आपको यूज़र मैनुअल तो मिल रही है, आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप देख कर ना इंटेल या AMD प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हो कैसे इसको आपने इंस्टॉल करना, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो गाइस अब बात आती है यहां पर कि क्या कंपोनेंट्स मैं यूज कर रहा हूं इस वाले कूलर के साथ में। तो गाइस यहां पर ना हम कैबिनेट जो यूज कर रहे हैं गाइस, वो है एनटेक की NX260, एक डिसेंट से एयर फ्लो वाली कैबिनेट गाइस। यहां पर ना आपको फ्रंट में मिल जाएंगे 3 ARGB फैन जिससे आपका एयर फ्लो काफी बढ़िया रहता है। वहीं गाइस जो हम यहां पर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं गाइस, वो है Ryzen 5 3600, एक बहुत ज्यादा हीट होने वाला प्रोसेसर। जो गाइस यहां पर ना आपको स्टोव कूलर के साथ में ना भाई ये जो आइडल टेम्परेचर चलते हैं गाइस वो है इसके 60 टेम्परेचर, एंड जो भाई 100% लोड पे आते हैं गाइस वो है गाइस 94 टेम्परेचर। भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई 94 जाता है स्टोव कूलर पे AMD का Ryzen 3600 भाई, देख रहे हो। अब यहाँ पर हम करते हैं इसके बेंचमार्क्स की टेस्टिंग के क्या परफॉर्मेंस हमें ये ऑफर करता है एनटेक का A400i कूलर। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले यहाँ पर आइडल टेस्ट करे, तो गाइस यहाँ मिलते हैं हमें 44 से लेके 50 के बीच में एक डिसेंट से मतलब अच्छे से आइडल टेम्परेचर भाई। अब यहाँ पर जो बोलूँ मैं, समर्स है नॉर्थ इंडिया से भाई मैं हूँ, तो यहाँ पर जो भाई टेम्परेचर चल रहा है वो है अब तो 34 का, तो आप मेरे रूम का लगा लो भाई, यहाँ पर ना 29 के आसपास टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर भाई 44 से लेके 50 के बीच में आपको आइडल टेम्परेचर मिल जाए, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इसकी परफॉर्मेंस। वहीं गाइस जब मैंने इसमें Cinebench ट्राई करा, तो गाइस यहाँ पर ना 100% लोड पे हमें मिलते हैं मैक्स टेम्परेचर गाइस मिलते हैं 82 या 84 के आसपास, जो गाइस मुझे काफ़ी बढ़िया लगे भाई, लिटरली कह लूँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी जिस प्राइसिंग पे ये वाला कूलर हमें मिल जाता है। तो गाइस सब कुछ आपके सामने था, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई, चाहे वो 0% लोड पे हो गई, चाहे गाइस वो हो गई आपकी 100% लोड पे। गाइस यही टेस्टिंग है जो भाई रियल वर्ल्ड में अपनी चलती है, इससे ज़्यादा क्या अब लोग और स्ट्रेस टेस्ट करो ये करो, गाइस यही टेस्टिंग चलती है, यही रियल वर्ल्ड है, यही आपने गेम्स खेलने हैं, क्या ही स्ट्रेस टेस्ट करके दिखाता मैं आपका टाइम वेस्ट करता और अपना भी। तो गाइस यहाँ बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो भाई ये वाला जो कूलर है ना आपको मिल जाएगा 1800-1900 के आसपास, जो मेरे ख्याल से अब तक का भाई चीपेस्ट कूलर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो भी RGB के साथ, जो मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगी इस वाले कूलर की, बढ़िया लगा भाई, लिटरली कह रहा हूँ बढ़िया लगा।
सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अभी लाइक करो। मैं यहाँ पर फीचर कमेंट के बारे में बताता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा फीचर्ड कमेंट है गाइज वो है मैजिकल टिक वर्ल्ड टेक वर्ल्ड टिक वर्ल्ड, एक पीसी मुझे भी गिव अवे कर दो। भाई मुझे दे दो तुम कोई पीसी पूसी, एक ही है भाई, एक को ही चलाता हूँ मैं हर जगह, वो ही कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा मेरे भाई। कोई नहीं, आएंगे देखेंगे, कोई ना कोई गिव अवे तो जरूर लेके आएंगे भाई, जब चैनल थोड़ा सा अच्छे लेवल पे और पहुंच जाएगा। बाकी अभी आपने सपोर्ट करनी है, देखते हैं कहाँ तक आप पहुंचाते हो अपने भाई का चैनल। कमेंट कर दो, क्या पता अगली वीडियो में आपका कमेंट ही फीचर हो जाए। तो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आपने यहाँ पर लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को जुड़ जाओ, हमारी फैमिली में 10K होने वाले हैं। ओके गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो के लिए, बाय बाय। और हाँ गाइस, always give your best.